आजादी आजादी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कनाडा आजादी। इधर रुक जाए कश्मीरी आजादी आजादी आजादी। गो मोदी गो, गो मोदी गो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, आज की रैली का मकसद यही है कि हम लोगों ने तमाम स्कूलों से 400-500 के से ऊपर ये तमाम ख्वातीन बहुत जज्बाती हो रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों पे स्पेशली जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उन पर जुल्म सितम हो रहा है। तो इसके खिलाफ हम लोग ये रैली कर रहे हैं कि खुदा रहा उनको वहाँ से निजात दिलाई जाए, वहाँ पर कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए और वहाँ पर हमारी बेटियों की इज्जतें जो पामाल हो रही हैं उनके लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली है। और हम तमाम दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के साथ वो भी आके शरीक हो जाएं और उनको इस जुल्म से निजात दिलाएं। जी, ये बेसिक तो हमारा मकसद यही था कि हम अपनी सॉलिडारिटी शो करें कश्मीरी ख़वातीन के साथ, स्पेशली जिस दर्द और तकलीफ़ से वो गुज़र रही हैं, द पेन एंड एग्नी दे आर गोइंग थ्रू, हम उनके साथ उसमें शेयर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि वी आर विद देम। हमारी गवर्नमेंट, हमारी फ़ौज और हमारी आवाम सब जो है कश्मीरी लोगों के साथ हैं। वजूहात तो बहुत वाज़े हैं जी कि कश्मीर के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं और जो सारी दुनिया की इस वक्त आंखें बंद हैं इस ग्रॉस ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ के ऊपर, हम उस इशू को मज़ीद उजागर करने के लिए ये पीस वॉक कर रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयरनेस हो, दुनिया की आंखें खुलें, मज़ीद खुलें और उन्हें पता चले कि हम लोग कश्मीर के साथ हैं। एंड वी आर विद द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ कश्मीर वेयर देर इज़ ह्यूमन rights violation taking place for the last 72 years and this should end. The United Nations, all the humanitarian organizations should open their eyes and see what's going on in Kashmir and raise a voice, make a noise and tell Modi that he will not do what he wants to do. His agenda is not going to be authenticated. Hindustan ko to Pakistan paigham de hi chuka hai, मैं कौन होती हूँ पैगाम देने वाली, बट इस मार्च के ज़रिए हम की मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम लोग कश्मीर इशू से पीछे नहीं हटेंगे। वी विल फाइट टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड और हम जो है अपने कश्मीर बहन और भाइयों के साथ हैं।